वक्त वाराणसी के सबसे मुख्य इलाके, सबसे बिजी चौराहे यानी गदौलिया चौराहे पर हूँ, जहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर काशी विश्वनाथ मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जब BHU से शुरू होगा तो यहाँ इस जगह पर गदौलिया चौराहा पहुँचेगा, जहाँ अलग व्यवस्था की गई है लोगों के खड़े होने के लिए भी, जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर सकें। और देखिए किस तरीके से पूरे गदौलिया चौराहे को सजाया गया है, भगवा रंग के गुब्बारे लगाए गए हैं, भगवा रंग से सजावट की गई है, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कटआउट्स लगे हैं और पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है हमार काशी हमार मोदी, यानी भोजपुरी में ये चीज़ें लिखी गई हैं। वाराणसी बिहार से लगा हुआ है वाराणसी ज़िला, तो ऐसे में यहाँ की मुख्य भाषा भोजपुरी भी है, इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भोजपुरी भाषा में लिखा गया है हमार काशी हमार मोदी। और इस तरीके से थोड़ा सा आगे आप और बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है। ये जो इलाका दरअसल दक्षिणी विधानसभा में आता है, वाराणसी के दक्षिणी विधानसभा में आता है, शहर दक्षिणी विधानसभा में, तो यहाँ से भले ही ये चुनाव विधायकी का ना हो, ये चुनाव विधानसभा का ना हो, लेकिन इससे तमाम विधानसभाएं भी प्रभावित होंगी और आसपास के ज़िले जिनमें आने वाले समय में वोटिंग है वो भी प्रभावित होंगे, क्योंकि वहां पर एक बड़ा संदेश जाएगा प्रधानमंत्री के इस लंबे रोड शो से। अब जब थोड़ा सा आगे और नज़र दौड़ाते हैं आप, तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एक बार फिर ये बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है और इस पोस्टर में प्रधानमंत्री को काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना करते हुए, जलाभिषेक करते हुए दिखाया गया है और इस पर भी वही लिखा हुआ है हमार काशी हमार मोदी। साथ ही एक और पोस्टर है यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ है मैं हूँ मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि पूरा देश मेरा परिवार, उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक मुहिम से शुरू हो गई थी मैं भी मोदी का परिवार, उसका असर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। चौराहे पर प्रधानमंत्री कटआउट लगाए गए हैं, इस गदौलिया चौराहे को देखिए कैसे सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, लाइटिंग की गई है, शाम के वक्त ये खूबसूरती, ये लाइटिंग और भव्य लगेगी। जो तैयारियां यहाँ की गई, जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर देखिए इन सब पर लाइट्स लगाई गई हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, तो पूरे गदौलिया चौराहे को इसी तरीके से तैयार किया गया है। और केवल गदौलिया चौराहा ही नहीं बल्कि इसी तरीके से वाराणसी में तैयारियाँ की गई हैं, जिस जिस जगह से प्रधानमंत्री का रोड शो गुजरना है कुछ ऐसे ही सजावट वहाँ पर की गई है, फिर चाहे वो BHU का मुख्य गेट हो उस जगह पर, या फिर जो सकरा सा रास्ता है, क्योंकि वाराणसी गलियों में बसता है कहते हैं, तो गलियों से भी होते हुए, बहुत पतली सकरी रास्तों से होते हुए भी प्रधानमंत्री का ये रोड शो गुजरेगा और वहाँ पर भी तैयारियाँ इसी तरह की या इससे भी भव्य देखने को मिल रही हैं। लगातार हर तस्वीर सबसे पहले प्रधानमंत्री के इस रोड शो की आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा सहयोगी संजीव के साथ अनामिका पांडे, रिपब्लिक भारत, वाराणसी। पर वो तस्वीर लगातार आप तक पहुंचा रही हूँ, मेरे पीछे देखिए कि किस तरीके से लोग अभी से ही नाच गा रहे हैं। अभी करीब 11 से 12 के बीच का वक्त हुआ है सुबह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने में, उनका रोड शो शुरू होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन उसके बाद भी लोग अभी सुबह से ही यहाँ पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी है इसमें, इसमें आम लोग भी है जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सुबह से ही यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिनके हाथों में मोदी का झंडा ले रखा है सभी लोगों ने, और ये सब प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सुबह से ही यहाँ नाच गा रहे हैं। ये गदौलिया चौराहे की तस्वीर है। इसी तरीके से पूरे वाराणसी की तस्वीर इस वक्त यही है, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है उन सभी जगहों पर कुछ यही तस्वीर देखने को मिल रही है। ऐसी ही रौनक पूरे वाराणसी में है और मैं बार बार कह रही हूँ केवल गदौलिया चौराहे पर ही नहीं बल्कि पूरे वाराणसी में यही तस्वीरें। संजीव तस्वीर दिखाइएगा, ये देखिए लोग कैसे यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और करीब शाम 5 बजे प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होना है, लेकिन उससे पहले देखिए लोगों का उत्साह, लोगों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि यूं कहूं कि अब शुरू हुआ है ये जोश, क्योंकि प्रधानमंत्री आज शाम को यहां रोड शो करेंगे। और ये तस्वीर गदौलिया चौराहे की आपको दिखाई मैंने, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले करीब 4 दिनों तक 1000 ड्रोन शो, यानी 1000 ड्रोन अलग अलग आकृतियां पेश करते हुए दशाश्वमेध घाट पर खास शो का आयोजन 4 दिन तक किया गया। 12 मई को इस शो का आखिरी दिन था। देखिए दशाश्वमेध घाट पर इस भव्य ड्रोन शो की क्या तस्वीर निकल कर सामने आई है इस रिपोर्ट में।
वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर आरती के तुरंत बाद हजारों की भीड़ आजकल ड्रोन शो का लुत्फ उठा रही है। काशी के आसमान में दिलकश नजारा देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर चार दिनों तक भव्य ड्रोन शो का आयोजन हुआ। दशाश्वमेध घाट की भव्य गंगा आरती के बाद 1000 ड्रोन के साथ काशी के आसमान में कमल का फूल, डमरू, विश्वनाथ दरबार, गंगा विलास क्रूज और नमो घाट का नजारा दिखा। 15 मिनट में गंगा के ऊपर 10 साल की उपलब्धियों को ड्रोन के जरिए इस तरह दिखाया गया कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। काशी में हुए विकास कार्यों के साथ साथ फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा गूंजा। रिपब्लिक भारत पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जिस 1000 ड्रोन का जिक्र किया जा रहा था, करीब 12 मई तक इसी तरह से दशाश्वमेध घाट, नमो घाट, तमाम घाटों पर गंगा आरती के बाद इसी तरह के से 1000 ड्रोन का शो आयोजित किया गया है। देखिए, ये नमो घाट की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं इस ड्रोन शो के जरिए। करीब 1000 ड्रोन हैं जिससे अलग अलग आकृतियां बनाई जा रही हैं, फिर चाहे वो कॉरिडोर की हो, फिर चाहे वो कमल के फूल की हो, वाराणसी की खूबसूरती की हो, या फिर ये नमो घाट जो अब वाराणसी की एक और खूबसूरत और भव्य अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस ड्रोन शो के जरिए उस तस्वीर को, उस भव्य तस्वीर को भी दिखाया जा रहा है। वाराणसी में कल आखिरी ड्रोन शो था। चार दिन तक कुल 60 मिनट चले इस ड्रोन शो का 5 लाख से ज्यादा लोगों ने लुत्फ उठाया। कुल 1000 ड्रोन की कलाकारी का करतब देखते ही बन रहा था। कल दशाश्वमेध घाट पर गंगा की आरती के बाद श्रद्धालुओं को गंगा के ऊपर अचानक से वंदे भारत एक्सप्रेस चलते हुए नजर आई। फिर गंगा की लहरों के ऊपर कमल का फूल खिलता दिखाई दिया। पानी में करीब 400 फीट ऊपर बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर जगमगाता रहा। कि इसी तरीके से मंच तैयार किए जा रहे हैं। मंच इसलिए कि अलग अलग संस्कृति से वाराणसी के, उत्तर प्रदेश के अलग अलग रंगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाए और यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। जब शुरुआत होगी इस रोड शो की तो इसी मंच से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और इसी तरीके से करीब ये जो 5 से 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो है उसमें पूरे में कुछ इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर मंच बनाए गए हैं, जिससे कि जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, यानी कि जो मंच बनाया गया है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे वो इन्हीं मंचों पर हो सकें। और पूरे रास्ते पर ऐसे ही इसी तरीके से मंच बनाए गए हैं, जो तस्वीर अभी दिखा रही हूँ मैं। और ये वो तमाम होर्डिंग्स हैं, प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कटआउट्स हैं यहाँ पर, जिनको लगाया जा रहा है पूरे रास्ते पर। अभी जो लोग यहाँ पर वाराणसी के आए हुए हैं वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि हम इस रोड शो के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हम अपने प्रधानमंत्री को, अपने प्रत्याशी को, जो कि वाराणसी से प्रत्याशी हैं, उनको देखने के लिए, एक बार फिर प्रत्याशी हैं, उनको देखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 10 साल से 40 से ज्यादा बार आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वाराणसी से लगातार 2 बार सांसद बनने के बाद वो बनारस के विकास को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के बाद भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तैयारियां दिखाई आपको, साथ ही ड्रोन शो की तस्वीर दिखाई दशाश्वमेध घाट से, लेकिन मेरे सहयोगी प्रियंका भी इस वक्त वाराणसी से ही मौजूद है। प्रियंका कहां पर है और क्या तैयारी देख पा रही है? हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, देखिए ये नंदी चौक है, ये नंदी चौक है और यहाँ पर देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा दें, एक अलग ही छटा यहाँ पर काशी में देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए जो है अलग अलग पोस्टर की अगर हम बात करें तो हमार काशी हमार मोदी, ऐसे बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। लोगों का उत्साह एकदम चरम पर है, आज हर कोई बेताब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से देखने के लिए, क्योंकि 5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। आपको ये तस्वीरें दिखाइए, संतोष ये रूट दिखाओ, देखिए ये रूट है जहाँ पे पीएम मोदी का पूरा काफिला चलेगा और 5 किलो लंबे इस रोड शो के बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ धाम, वहां पर दर्शन करेंगे। कल का दिन बेहद खास है जब कल मंगलवार को नामांकन करेंगे और आपको बता दें तीसरी बार है जब वाराणसी से लोकसभा के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी है पीएम मोदी। कुछ लोगों से हम बात करते हैं, देखिए लोगों का उत्साह बहुत जबरदस्त है। काशी के आप बता रहे थे, ये काशी नगरी है, इस पर क्या आपने बनाया हुआ है? देखिए मैं काशी के काल भैरव मैदागिन क्षेत्र से, मेरा नाम बालकृष्ण गुजराती, आगे बताओ। और ये काशी पर है कि यह बनारस नाम है इसका काशी, यह बनारस नाम है इसका काशी, यहाँ पे रहने वाला कभी न होता बासी, हर समय रहता है मन यहाँ ताजा, ढोल नगाड़ों का बसता यहाँ बाजा, ये शहर कहता है अपनी कुछ बात, जरा ध्यान से सुनिए शहर के जज्बात।
और कभी तुम कान्हा तो कभी तुम श्याम लगते हो, कभी मीरा के गिरधर शबरी के राम लगते हो। इस कृष्णा ने ठाकुर को किया है अनुभव। मोदी मोदी पर क्या बनाया है? मोदी जी तो मोदी क्यों क्या? हम लोग जयपुर से आए हुए हैं 2 दिन के लिए और मोदी जी का आज यहाँ रोड शो है और उनका जो नामांकन है उसके सपोर्ट में हम 2 दिन रुकेंगे। हम लोग बलिया से आए हैं मोदी जी के जो रैली निकलेगा उसमें सम्मिलित होने के लिए। मोदी जी एक ऐसा नेता है कि विश्व स्तर के नेता है और धरती से आसमान तक विकास किए हैं, इसलिए मोदी जी इस बार 400 पार। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मोदी इस बार 400 पार का लगातार नारा लग रहा है और इस बार ये माना जा रहा है कि 7 लाख का मार्जिन होगा, 7 लाख वोटों से ज्यादा का मार्जिन होगा। आप जहाँ भी देखिए आज काशी नगरी कुछ अलग ही दिख रही है, इसे शिव नगरी कहा जाता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ही धार्मिक स्थल है। और ऐसे में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते